हेलो फ्रेंड, मैं सुरभि। और देखिए, ये रोड साइड की जितने भी ये कमलेश नर्सरी के साइड जितनी नर्सरी थी वो अब नीचे की तरफ चली गई है। कमलेश नर्सरी पहले भी नीचे थी, और जितने भी एसके नर्सरी हुआ या खुशबू नर्सरी इनके जो बगल में है वो अभी थोड़े बहुत ऊपर प्लांट रखे हुए हैं और नीचे शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि नीचे के पानी सूख गई है। और देखिए, बिल्कुल ऊपर सुनसान हो गया है। तो जो जहाँ नर्सरी थी ऊपर से अब नीचे चली गई है, चाहे प्रिया हो या हीना हो, जो जहाँ है वहीं है, बस रोड से हट गई है। सिर्फ कल्पना नर्सरी अब वहाँ से दूसरे जगह कहाँ चली गई है ये पता नहीं। मोनिका प्रभुनाथ भी पता नहीं कहाँ है। मैं पता लगा के आप लोगों से बताऊंगी कि वो कहाँ गई है। मैं फ़ोन करके उनसे एक बार कंफर्म होंगी कि कहाँ हैं वो लोग। तो आज मैं कमलेश नर्सरी शेयर करूँगी, क्योंकि इनके यहाँ का जो सकुलेंट है और कुछ प्लांट है उन्होंने दाम कम कर दिए हैं। तो 100 वाले अब उन्होंने 80 कर दिया है, और 80 वाले उन्होंने 40 कर दिया है। तो बहुत दिनों से रिक्वेस्ट थी कि मैम आप सेपरेट सकुलेंट के वीडियो बनाइए, तो मैंने आज बिल्कुल सेपरेट सकुलेंट के सारे शेयर किया हुआ है। कौन कौन से आप इनके यहाँ सकुलेंट कैक्टस और हैंगिंग बास्केट में हैं वो भी सारे क्या प्राइस है और उसकी क्या ग्रोथ है, वो सारी चीज़ें मैं एक एक करके आप लोगों से शेयर करूँगी। और भी इनके यहाँ देखिए, फंड कोई पूछ रहा था कि फंड शेयर कीजिएगा मैम, इस्पेगेरस शेयर कीजिएगा कि कहाँ मिलेगा। तो इनके यहाँ दोनों तरह के इस्पेगेरस मिल जाएंगे, और क्या प्राइस है मैं शेयर करूँगी। हैंगिंग पॉट में भी इनके बहुत खूबसूरत सकुलेंट है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके यहाँ क्या फ्लावरिंग प्लांट है, क्या क्या उसके प्राइस है, क्या नया आया है, वो आप लोगों से एक एक करके शेयर करूँगी। तो सकुलेंट की इनके पास बहुत सारी वैरायटी है, और ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है। सकुलेंट की ऐसा कोई भी वैरायटी नहीं है। देखिए, ये मुझे तो सकुलेंट का ज़्यादा उतना नाम नहीं पता है, थोड़ा बहुत है। ये स्टोन सकुलेंट है, इसके जो लीफ होते हैं बिल्कुल गोल गोल स्टोन की तरह होते हैं। और देखिए, ये भी ब्रह्म सकुलेंट बोलते हैं, ब्रह्म कमल, लक्ष्मी कमल, सारे आपको यहाँ मिल जाएंगे। ये सारे मैं आपको, ये पहले 80 में थे, अब इन्होंने 40 रुपीज़ कर दी है। शायद अब तो समर आ रहा है, तो हो सकता है कि समर में सकुलेंट को बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन हाँ, जो गार्डनिंग में परफेक्ट होते हैं वो तो इसको सालों साल रखते हैं। और ये देखिए, ये जेली बीन है सकुलेंट, तो बहुत, देखिए ऊपर जो टिप है उस पर रेड है। तो ये अभी मैं आपके सारे 40 रुपीज़ वाली दिखा रही हूँ, और आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। इनके यहाँ ये सकुलेंट ये सारे आपको घर में बैठे बैठे पहुँचा देंगे, चाहे आप दिल्ली में हो, चाहे आप दिल्ली से बाहर हो, ऑल इंडिया में इनकी ऑनलाइन सर्विस है। और देखिए, इसके अगर ये जो देखा जाए तो इसमें कम से कम 5-6 प्लांट निकले हुए हैं, बेबी प्लांट निकले हुए हैं। आप अलग करके लगा सकते हैं कोकोपीट में। मुझे तो उतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये बता रहे थे कि कोकोपीट में अगर अलग करके रखा जाए तो ये न्यू बेबी प्लांट से बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं। और एक क्रेसुला है, और ये जो पॉट में लगा हुआ है ये आपको मेरे ख्याल से ये 80 रुपीज़ बता रहे थे, पहले 100-120 था। और देखिए, ये बहुत ये है सीडम की वैरायटी है, जब पूरे पॉट भर लेता है बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो जहाँ जब गर्मी हो, ये भी 40 रुपीज़ में है, तो आप सेडी एरिया में रख दें तो ये सालों साल चलता है। मुझे तो उतना कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस है नहीं, क्योंकि मैं सकुलेंट ग्रो नहीं करती हूँ। जो नीचे गिरे रहते हैं छोटे छोटे पत्ते, उसी से ट्राई करती रहती हूँ कि तो इस बार मैंने कोकोपीट में लगाया है। मेरे एक व्यूअर ने कहा कि आप कोकोपीट में लगाइए, मैं तो देखती हूँ, लगा के रखी हूँ सिर्फ कोकोपीट में। और ये भी देखिए, ये भी सकुलेंट की एक वैरायटी है। तो ऑनलाइन जो मंगाना चाहता है ऑर्डर कर सकता है, जिसके यहाँ हल्की ठंडी रहती है जिस एरिया में। हमारी दिल्ली में तो बहुत गर्मी पड़ती, जितनी ठंडी पड़ती उतनी गर्मी पड़ती है। और ये भी आप, ये कैम फायर है बोलते हैं इसे, और इसके टिप रेड हो जाती है। ये भी आप 40 रुपीज़ में ले जा सकते हैं। मतलब बहुत एक से बढ़ के एक वैरायटी है, जो कि आप 40 रुपीज़ में आप ऑर्डर करा सकते हैं। और इधर हैंगिंग देखिए, पूरा पॉट ये भरा हुआ है,
तो मैं एक एक करके हैंगिंग बास्केट भी आप लोगों से शेयर करूंगी कि इसकी क्या प्राइस है। और बहुत हेल्दी प्लांट है, बहुत सारे एक में अगर जाइए तो देखिए, अगर उसमें एक से ज़्यादा बेबी प्लांट निकला हो तो प्लांट चूज करके ले आइए, उससे आप बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। और देखिए, मुझे यहाँ सिंगोनियम की बहुत सुंदर वेराइटी दिख गई, जो कि आप यहाँ से बोल रहे थे पॉली बैग में ये 50 रुपीज़ में ले जा सकते हैं। सारे हैं इसमें, आपको दो चार वैरायटी मिल जाएगी। ये मेरे पास ये वाला लॉन्ग एरो वाला ये नहीं है, ये सिंगोनियम मेरे पास मेरे ख्याल से चार ही वैरायटी होंगे, छोटे वाले और एक जो नॉर्मल वाला होता है। तो ये पॉट में पॉली बैग में दोनों में आप 50 रुपीज़ में ले जा सकते हैं, और ये 40 रुपीज़ में है। ये इंग्लिश आई भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, और कल्पना नर्सरी में 20 रुपीज़ में थी, तो बेचारे वो वहाँ से चले गए। उनके यहाँ का प्लांट बहुत अच्छा था, बहुत रिजनेबल था, तो वहाँ से मैंने एक व्यूअर को भी भेजा था 20 रुपीज़ में। और ये जितने पॉट में देख रहे हैं, इसमें देखिए ये लक्ष्मी कमल है, और ये आप 80 रुपीज़ में ले जा सकते हैं। और कुछ प्लांट तो ऐसे थे कि इसके साइड से बहुत सारे बेबी प्लांट निकले हुए थे, अलग करके बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते थे। और देखिए ये भी 80 रुपीज़ वाला है, बहुत सारे इसमें देखिए साइड से कितने सारे प्लांट निकले हुए हैं। तो सकुलेंट देखने में बहुत खूबसूरत लगता है छोटे से एरिया में। देखिए इसमें मेरे ख्याल से एक दो साइड से तीन चार प्लांट निकले हुए हैं, और इसी पॉट में जो मदर देखिए इसमें साइड से कितने ये निकले हुए हैं, अगर जो परफेक्ट हो सकुलेंट में वो ज़रूर ले जाएं। और इसके साइड से निकाल निकाल के कम 10-12 प्लांट आप तैयार कर लीजिएगा। देखिए सकते हैं बेबी प्लांट नीचे लटक रहे हैं। तो छोटे से जगह में बालकोनी एरिया हो, कम धूप आती हो, अगर जो केयर कर सकता है ज़रूर ले जाएं, ज़रूर लगाएं। बहुत खूबसूरत सकुलेंट, बहुत सुंदर लगता है, मुझे तो बहुत सुंदर लगता है, लेकिन वही है कि ट्राई कर रही हूँ, अगर इस बार ग्रो हो गया तो फिर मैं लेके आऊँगी। और देखिए इधर कुछ इन्हें ये डेकोरेटिव पॉट वगैरह रखे हुए हैं, शायद वो फाउंटेन है, तो दाम पूछ के ले जा सकते हैं। तो बहुत सुंदर कलेक्शन है। और इधर ये कोई मेरे व्यूअर पूछ रहे थे कि एस्पैगेरस शेयर कीजिएगा मैम, तो ये देखिए ये फॉक्सटेल ये फर्न है, तो ये फॉक्सटेल फर्न आप यहाँ से 100 रुपीज़ में 8 इंच के पॉट में है, आप ले जा सकते हैं। और एक प्लांट से बहुत सारा प्लांट नीचे राइजोम की तरह छोटा छोटा बनता है, गोल गोल टाइप का, आप बहुत सारा प्लांट तैयार कर सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत लगता है। तो फॉक्सटेल फर्न में एस्पैगेरस भी है, तो इधर जेट प्लांट है, जेट प्लांट भी ये छोटे से पॉली बैग में है, बहुत सारा लगा, शायद ये इसकी प्राइस 20 रुपीज़ में है। आप पूछ लीजिए एक बार मुझे जेट प्लांट में थोड़ा कन्फ्यूजन में। और देखिए ये 200 में पूरा भरा हुआ बास्केट है, और देख ही सकते हैं एक में मेरे ख्याल से 20 से 25 प्लांट लगे होंगे। और ये भी देखिए ये छोटे छोटे जेली बीन की तरह है, ये पूरा ये सकुलेंट छोटा छोटा ये भरा पड़ा है, कितना सुंदर पॉट लग रहा है, और इससे बहुत सारा प्लांट तैयार कर सकते हैं, मेरे ख्याल से सैकड़ों प्लांट इसमें होंगे। तो सकुलेंट भी खूबसूरत लगता ही है। और ये देखिए ये पर्ल वाला सकुलेंट है, स्ट्रिंग पर्ल है, और ये भी नीचे की तरफ जब लटकता है तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो इसमें से छोटा सा टुकड़ा मैं भी लेके आई हूँ, कोकोपीट में ग्रो करूँगी। तो छोटे छोटे जो नीचे गिरे हुए रहते हैं तो उसी से मैं ट्राई करती रहती हूँ। और देखिए ये भी एक सकुलेंट की वेराइटी है, और बेबी सन रोज है शायद ये, तो ये भी आप हैंग ये सारे 200 में है। और ये देखिए ये शायद मैं ये भी सकुलेंट है, नाम मैं भूल रही हूँ, ये फॉक्सटेल कुछ है ऐसे करके इसका नाम है, मुझे उतना आइडिया नहीं है, लेकिन पॉट पूरा भरा हुआ है, और जो परफेक्ट होता है उसमें वो बहुत सारा प्लांट तैयार कर लेगा। और देखिए इधर इंग्लिश आई भी है, पूरा पॉट भरा हुआ है, और ये भी आप 200 में ले जा सकते हैं। और पॉट की ग्रोथ देख ही सकते हैं, पॉट में जो इसकी प्लांट है बहुत सारे लगे हुए हैं, कटिंग से ये बहुत ईजी से ग्रो हो जाता है, और पॉट के साथ ये 200 है।
और इधर कैक्टस है। कैक्टस ये तो हवतिया है, तो हवतिया आप यहाँ से ये बता रहे थे 250 से लेके, हवतिया आप पूछ लीजिएगा 100 में है और ये शायद 250 में है, अलग अलग प्राइस है बता रहे थे। 250 से लेके ये 80 रुपीज़ के बीच में है कैक्टस। तो फ़ोन नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, स्क्रीन पर भी दे दूँगी। और देखिए इसके साइड से कितने सारे बेबी प्लांट हैं। कैक्टस जो केयर कम जानता हो वो लगा सकते हैं। और देखिए इसमें भी बहुत सारे इसमें बेबी प्लांट निकले हुए हैं। तो कैक्टस, मून कैक्टस है और देखिए कितना भरा हुआ प्लांट है ये, और बहुत सारे इसमें भी प्लांट निकाले। तो ऑनलाइन ऑर्डर आप यहाँ से कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके यहाँ क्या नया नया प्लांट आया है और इसकी क्या प्राइस है और सारे नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से शेयर करूँगी। तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।